गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो एज ए स्टडीज के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड अगेन थैंक यू, आप लोगों ने मुझसे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट अब मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। पर उससे पहले लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स फैमिली हैं अगर उनमें से कोई को जर्मनी आना है एज ए स्टूडेंट या उन्हें कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आई थिंक ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, आपको एडमिशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अबाउट सेमेस्टर्स, यहाँ पर सेमेस्टर्स कैसे डिवाइड होते हैं, आप कैसे अप्लाई करना है, आपको कितने टाइम पहले से आपको अप्लाई कर लेना है, अबाउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में है वीडियो। तो गाइज, आप लोगों को एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले या 1 ईयर पहले ही प्लान करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर एज ए स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्सेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो, बिकॉज यहाँ पर प्रोसेस होती है, उसे मैं बताऊँगी कि किसके लिए 6 मंथ्स एंड किसके लिए 1 ईयर आपको प्री प्लान करना पड़ेगा। अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पर सेमिस्टर्स, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सेमिस्टर्स कब स्टार्ट होते हैं और उस हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशंस रेडी कर सकते हो। तो यहाँ 2 सेमिस्टर्स होते हैं और 2 सेमिस्टर एंट्री होती हैं, एक विंटर सेमिस्टर्स एंड समर सेमिस्टर। जो विंटर सेमिस्टर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट होता है जर्मनी में, एंड वो स्टार्ट होता है अक्टूबर 1 से और एंड होता है मार्च एंड में ख़त्म हो जाता है, और उसकी जो क्लासेस हैं वो 15 मार्च से स्टार्ट होती हैं। एंड देन द समर सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से एंड एंड हो जाता है सितंबर एंड में, और उसकी जो क्लासेस हैं वो मिड अप्रैल लाइक 15 अप्रैल में स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो हो गई कि कब यहाँ पर सेमेस्टर्स स्टार्ट होते हैं या न्यू कोर्सेज स्टार्ट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब दूसरी बात आती है कि आपको कि क्या डेडलाइन होती हैं या सक्सेसफुल एप्लीकेशन क्या होता है। तो यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि वो 2 महीने पहले सारे जितने भी एडमिशन्स हैं वो क्लोज़ कर दें डेडलाइन से पहले, ठीक है, सारे क्लोज़ कर दें। तो और सक्सेसफुल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपने फ़ीस पे कर दी है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं ऑनलाइन या फिर पोस्ट, और आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया है, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है कि या नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट अ कोर्स हेयर फ्रॉम दिस टाइम दिस कोर्स एंड दिस सेमेस्टर। तो ये होता है सक्सेसफुल एप्लीकेशन। अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि प्रोसीजर क्या है, किसके थ्रू कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हैं लाइक 180 जर्मन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा UNISS.DE के थ्रू एप्लीकेशन लेती हैं। UNISS.DE जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी एप्लीकेशन है सब है उसको मैनेज करता है, असिस करता है, ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लेता है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो कि एप्लीकेशन कैसे करनी है आपको। तो देखिए, एप्लीकेशन के लिए थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो लाइक इंडियन हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपको उसका कुछ प्रोसीजर है। तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है और एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहला तो होता है पासपोर्ट की कॉपी, आपको पासपोर्ट की कॉपी होना ज़रूरी है, आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, और वैलिड होना चाहिए प्लस आप जितने टाइम के लिए रहने वाले हो जर्मनी में, जितना भी टाइम का आपका कोर्स है उतने टाइम तक के लिए वैलिड होना चाहिए प्लस पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज़ आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो वो होना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो, उसका पूरा ब्रीफ समरी ऑफ योर सब्जेक्ट्स एंड द ग्रेड्स, आपकी ग्रेड्स क्या हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ के लिए। अटेस्टेड कॉपी, जितने भी आपके एडुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो भी आपने प्रोवाइड करे हैं एप्लीकेशन में, इन केस आपके पास हैं, उसकी सारी अटेस्टेड कॉपी।
अटेस्टेड कॉपी ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट. लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बारे में मैं कुछ डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो उसकी अटेस्टेड कॉपी. लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन भी लिखना पड़ेगा कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप उसके लिए कितने इंटरेस्टेड हो और आप क्या वैल्यू दे पाओगे इस कोर्स को करने के बाद. पासपोर्ट जो मैंने आपको बताया जो वैलिड होना चाहिए जितने भी टाइम का आपका स्टे है. अगर आपका स्कूल सर्टिफिकेट इनफ नहीं है, इनकेस नहीं है, तो आपको एक एग्ज़ाम होता है जिसे बोलते हैं फेस्ट स्टैलुंग प्रूफुंग, वो देना होगा. चीज़ और होती है, एक टेस्ट होता है क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर एकेडमिक स्टडीज़ टेस्ट AS, जो अगर आप दे दोगे तो आपके जो चांसेस हैं एडमिशन के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें प्री डिफाइंड या मैंडेटरी इंटर्नशिप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं फाइनल ईयर में, तो उसके लिए आपको आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे या तो इंग्लिश में या फिर जर्मन में. तो मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई पे होगा ट्रांसलेशन कहाँ से आप करवा सकते हो. तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही ट्रांसलेट करवा के आओ, सो दैट यू विल गेट ईजली हेयर इंटर्नशिप. क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो आपका फाइनल प्लान यही होगा कि आप स्टडी करो, इंटर्नशिप करो और फिर यहीं पर जॉब करो. और आपको लैंग्वेज या तो इंग्लिश आना इम्पॉर्टेंट है या जर्मन आना इम्पॉर्टेंट है, तो उसका जो भी वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा. वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चाहिए ही होता है. अच्छा, एक चीज़ होती है जो कि होती है, अगर आपके पास हैं तो यू कैन गिव इट. एक तो टॉयफिल और आईलेट का जो भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आप वो दे सकते हो. और अगर आपके पास जर्मन सर्टिफिकेट है तो जर्मन सर्टिफिकेट या तो गोथे इंस्टीट्यूट या यहाँ का जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू ही आप दे सकते हो. तो यहाँ आप एम्बेसी साइट पे देख सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स है. अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है जर्मन यूनिवर्सिटी के, तो आपको सबसे पहले तो आपके कोर्सेज और यूनिवर्सिटी चेक करनी पड़ेगी. वो आप चेक कर सकते हो DAAD, उसमें आपको सारे ही कोर्सेज मिल जाएंगे और सारी ही यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. वंस यू विल गेट दैट, आप uniss.de के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. मैंने आपको पहले ही बताया uniss.de ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी एप्लीकेशंस को हैंडल करती है और ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भेजती है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो टाई अप नहीं है uniss के थ्रू, तो आप डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो. और डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूनिवर्सिटी के आप सेंड कर सकते हो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको बताया थ्रू पोस्ट, या फिर आप ऑनलाइन जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. बट जितने टाइम मैं यहाँ रह रही हूँ मुझे पता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट ही सारे डॉक्यूमेंट्स लेती हैं. और जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, तो इंडिया जो जगह है उसके लिए 3 वीक्स लगते हैं. तो 3 वीक्स में आपको या तो बोलेंगे कि नहीं, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दिस कोर्स और यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस कोर्स. अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है तो आपको तुरंत स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा. कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे म्यूनिक यूनिवर्सिटी और हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, इसमें डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिव्यू होते हैं. जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसे बोलते हैं फॉर प्रूफिंग्स डॉक्यूमेंटेशनन, फॉर्म में उसका VPD. और ये आपको असिस्ट करवाना पड़ेगा यूनिअसिस्ट के थ्रू. आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी चॉइस करी है जिसको VPD की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा uniassist.de में. एंड देन आपको वहाँ पर वो लोग इशू करेंगे. इशू करने में कुछ टाइम लगता है, 4 से 6 वीक आपको लगेगा असाइन करने में. और जब इशू हो जाता है तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो होती है 1 साल की, जब भी इशू हुआ है उससे 1 साल. तो आपको इस केस में अगर आप ऐसे इस तरीके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 1 साल पहले से ही सब कुछ प्लान करना पड़ेगा. मोस्टली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस और ये सारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स, कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं, और वो सब कुछ जो होता है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी
यूनी असिस्ट करता है। आपको सब कुछ करना पड़ेगा आपके डेडलाइन से पहले, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हो यहाँ आने का, तो आपको आज से ही स्टार्ट कर देना है सारी प्रोसेस, बिकॉज शूट करने में भी टाइम लगता है, रिव्यू करने में भी टाइम लगता है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो कुछ चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ आने से पहले, लाइक आपके फाइनेंशियली फंड्स वगैरह कैसे रेज होंगे यहाँ पर, जब आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको कौन से लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो या कोर्स कर रहे हो। आपको सारे कोर्सेज देखने पड़ेंगे और उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन ईयर पहले से ही सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। इनकेस आपको VPD चाहिए तो उसके लिए आपको डेडलाइन से पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको वो इशू करवाना पड़ेगा। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है वो आपको ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। आपके सो द स्कॉलरशिप कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पार्शल स्कॉलरशिप दे रही है, फुली स्कॉलरशिप दे रही है या नहीं दे रही है, वो भी आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है, जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस है DAAD, उसमें से आपको सारी कलेक्ट करनी होगी इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज, अबाउट यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं। इनकेस वैलिड नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया है कि आपको क्या करना है। अगेन आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं जर्मनी में, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल्सो आपको 2 महीने पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, जब भी आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उससे 2 मंथ्स पहले यू हैव टू बी हेयर। जब आप आ रहे हो कहाँ रुकने वाले हो उस नाइट, वो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, जस्ट सी दैट कि वेयर यू हैव टू लिव। एंड अगेन इफ यू हैव डन विथ ऑल दिस प्रोसीजर एंड यू आर रेडी टू कम इन जर्मनी एंड आई वेलकम यू, और जब आप आओगे तो ज़रूर मुझसे मिलना। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हो, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक ग्रुप है, मेरा इंस्टाग्राम है एंड देन मेल ID है, आप मुझसे उसमें कुछ भी पूछ सकते हो और मैं बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। सो इनकेस आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हो, और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर कमेंट करना। बाय। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है। इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना, वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया। और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा, तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस।